हाय गाइस, कैसे हैं आप? देखिए बच्चों, आपकी शिकायत रहती है कि सर जी जब भी किलोग्राम वाले मानों को चेंजेस करना है, चाहे वो मीटर से सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, ग्राम का किलोग्राम बनाना हो, हमारे समझ में नहीं आते। एक ही जवाब होता है, हमारे समझ में नहीं आते। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक वीडियो लाया हूँ। तो देखिए, मेरी इस वीडियो को आप प्रिपरेशन करते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी इन बारे सवालों को आप नहीं भूल पाएंगे। तो उसके लिए कुछ मैंने मुख्य बातें बताई हैं, जिन बातों को आप ध्यान रखेंगे, कुछ स्टेप्स हैं मेरी तरफ से जो आपको लर्न करने हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए कुछ स्टेप्स के लिए अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ 7 स्टेप आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पहला नंबर अगर बात करते हैं, यहाँ वो किलो का रहने वाला है। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो यहाँ ये हेक्टा रहने वाला है। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो ये आपका डेका रहने वाला है। चौथे नंबर में आते हैं तो यहाँ 3 नाम आपको याद रखने हैं, ग्राम, लीटर, मीटर। पांचवें नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आता है डेसी। छठे नंबर की बात करते हैं तो ये आपका सेंटी होने वाला है। और अगर 7वें और लास्ट नंबर की बात करते हैं तो यहाँ मिली आपको नज़र आने वाला है। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, जिन कन्फ्यूज़न को मैंने दूर किया है, क्या कन्फ्यूज़न रहती हैं देखेंगे आप। तो देखिए यहाँ 7 स्टेप जो लिखे हैं मैंने, इनका सीरियल आपका नहीं बिगड़ना चाहिए, जो सीरियल है वही सीरियल रहना चाहिए। अब यहाँ जैसे किलो है, किलो के साथ किलोग्राम भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, तो वहाँ आपको किलो से मैंने एक ही टॉपिक लिखवाया है। इसी प्रकार हेक्टा है तो वहाँ हेक्टा मीटर भी हो सकता है, हेक्टा ग्राम भी हो सकता है। तो यहाँ सारी स्टेप्स सीरियल वाइज हैं। अब देखिए कुछ सवाल मैं आपको सॉल्व करूँगा और जो आप हमेशा के लिए याद रख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात आती है, देखिए यहाँ यहाँ एक प्रश्न मैंने पूछ लिया कि 1 kg में कितने ग्राम होंगे। तो आपको ये तो खूब पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो यहाँ मेरी कुछ बातें ध्यान रखनी है, जहाँ से शुरुआत प्रश्न की करता है वो स्टेप आपको छोड़नी है, और जो पूछा गया है ये देखना है कि वो नंबर कितने प्लेस पर आता है। फिर दोबारा से सुन लेंगे, जहाँ से प्रश्न की शुरुआत करता है वो स्टेप छोड़ना है, और जो पूछा गया है वहाँ से देखेंगे वो नंबर कितने स्टेप पर है। तो देखिए यहाँ किलोग्राम से स्टार्टिंग की है तो आप किलोग्राम को छोड़ देंगे, पूछा है आपसे ग्राम तो ग्राम पूछा है तो देखेंगे किलोग्राम को छोड़कर ग्राम कितने प्लेस पर आता है। देखिए तो किलोग्राम का तात्पर्य है किलो से ही है, इस स्टेप को आप कटस कर देंगे, बाकी ग्राम पूछा हुआ तो गिन लेंगे, 1 2 3, 3 प्लेस पर है। और देखिए इसका सीरियल जो है ऊपर से नीचे की ओर है तो ये सही क्रम माना जाएगा, नीचे से अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा क्रम गलत होगा। उसके लिए भी मेरी एक ट्रिक है। तो देखिए यहाँ अब बात कर लेते हैं 1 किलोग्राम बराबर, अभी आपने नंबर गिना 1 2 3, 3 प्लेस पर है तो 1 के आगे 3 0 लगा देंगे तो आपका 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो जाएगा। बात करते हैं कि 1 मीटर है और आपसे सेमी पूछ लिया, सेंटीमीटर पूछ लिया हमसे। तो देखिए यहाँ फिर वही दोहराऊंगा कि जो स्टार्टिंग वाला है उसको छोड़ देंगे, उसके बाद जो पूछा है वहाँ से वो नंबर कितने प्लेस पर आता है। देखिए तो देखिए मीटर पूछा गया है तो इस वाले स्टेप को छोड़ देंगे, यहाँ सेंटीमीटर पूछा हुआ है तो यहाँ से गिन लेंगे, 1 2, 2 प्लेस पर है और कंडीशन इसकी सही है, इसलिए हम 1 के आगे 2 0 लगा देंगे, आपका आंसर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप जानते भी हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। चलिए और लेते हैं, 1 हेक्टामीटर है आपका, उससे आपसे पूछे गए हैं सेंटीमीटर, यानी हेक्टामीटर से सेंटीमीटर पूछा गया है। तो देखिए क्या करेंगे, जहाँ से शुरुआत कर रहा वो स्टेप कट कर लीजिए, तो ये वाला शुरुआत करा कट कर दिया, सेंटीमीटर पूछा गया है तो नंबर गिन लेंगे कितने प्लेस पर है, 1 2 3 4, 4 प्लेस पर है तो 1 के आगे 4 0 हम लगा देंगे, इसका मतलब 1 हेक्टामीटर में 10000 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा अपोजिट पूछता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि 1 ग्राम में
आप कितने किलोग्राम आपके होते हैं, एक ग्राम में कितने किलोग्राम आपके होते हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चे मतलब सीरियस हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, कन्फ्यूजन हो गया उनके अंदर कि सर जी एक ग्राम में कितने किलोग्राम, ये कैसे हो सकता है, हो सकता है। तो देखिए यहाँ स्टेप आपको वही फॉलो करना है। तो देखिए ग्राम से शुरुआत की गई है, तो पहले ये देखेंगे ग्राम कहाँ पर, ये आपका ग्राम नज़र आ गया और मैंने बताया था जहाँ शुरुआत होती है उसे कट कर देते हैं। उसके बाद क्या पूछा गया, किलोग्राम नंबर गिन लेंगे, 1 2 3 थ्री प्लेस पर है। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसका जो क्रम है उल्टा है, यानी नीचे से ऊपर की ओर पूछा गया है, तो ये उल्टे क्रम में आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 लगाना है, उसके बाद वही तरीका हमारा रहने वाला है। तो देखिए ग्राम को छोड़कर कितने प्लेस पर था, 1 2 3 थ्री प्लेस पर था, तो इसलिए इस एक ग्राम में 1/1000 किलोग्राम हो जाएंगे। चलिए अभी हमसे पूछा कि एक मिलीमीटर बराबर कितने मीटर, तो देखिए यहाँ क्रम देखेंगे पहले, मिलीमीटर से हमारा मीटर पूछा गया है जो कि उल्टा क्रम है। उल्टा क्रम है तो डायरेक्टली आप 1/1 लगा लें, फिर उसके बाद मैंने बताया था जहाँ से शुरुआत करता है उस नंबर को आप कट कर दें। तो मिलीमीटर से पूछा था, ये नंबर हमने कट कर दिया, पूछा है हमसे मीटर, तो देखेंगे 1 2 3 थ्री प्लेस पर है और थ्री प्लेस का मतलब है 1 के लास्ट में 30 लगाना। तो आई होप करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे।